हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने देखा लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर कस्बे के जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा में लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लाइव देखा गया। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में प्रारंभ किया गया इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्राओं से बातचीत कर परीक्षा के प्रति डर, तनाव, चिंता, अंत द्वेद, कुंठा, निराशा सभी बिंदुओं पर खुलकर चर्चा की तथा इसी के साथ कोरोना के कारण उत्पन्न हुई मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक समस्याओं पर भी खुलकर चर्चा की गई। कोरोना का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ा और इसका विशेषकर प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानसिक स्तर पर, उनके सोचने समझने की शक्ति पर अधिक पड़ा। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप मिश्र ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम की निरंतरता के प्रभाव के कारण ही आज माता पिता अपने बच्चों से खुलकर इस विषय पर चर्चा करते हैं। माता पिता अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपते नहीं, बल्कि उनके अभिरुचि योग्यता के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। मिश्र ने बताया कि इस कार्यक्रम के कारण आज बच्चे बिना किसी भय, चिंता, दुविधा के अपने माता पिता, अपने अध्यापकों तथा अपने मित्रों से खुलकर परीक्षा जैसे विषय पर बात करते हैं तथा अपनी समस्याओं को अपने माता पिता, अध्यापकों को बताते हैं, जिससे कि उनके समस्याओं का समाधान होता है और जो परीक्षा के प्रति एक डर था वो दूर होता है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के कारण ही बच्चे अपनी योग्यता, अभिरुचि के अनुसार विषय का चयन करते हैं तथा अंकों के पीछे नहीं भागते बल्कि प्रयास करते हैं। इस दौरान विद्यार्थी सुजल, मासूम, सानिया, नेहा व जगदीश ने भी परीक्षा को लेकर अपने विचार रखे। इस अवसर पर रूपचंद मीना, कपिल मीना, गीतांजलि बत्रा, रश्मि सोनी, बलवान सिंह, बजरंग कुमावत, नरेंद्र सिंह राठौर, कुलदीप सिंह, विपिन गर्ग, जगदीश चौधरी, भगवत सिंह, एडवोकेट महेंद्र सिंह, हरिबाबू खंडेलवाल, हरसन देवासी सहित अभिभावक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।